सभी आज मेरे संगठन के पदाधिकारी और मेरे पत्रकार बंधुओं, लोकसभा की तैयारी लगभग हमारी पूरी है और भारतीय जनता पार्टी इस बार भी पिछली बार का जो 25 सीटों का रिकॉर्ड था उसको कायम रखेगी और पहले पिछली बार से भी ज्यादा बहुमत से हम इस बार राजस्थान में 25 सीटें जीत करके और आएंगे। हम हमारे मजबूत संगठन के आधार पर निरंतर जो हम बूथ से लेकर के और पन्ना प्रमुख तक हमारा संगठन का जो विस्तार हुआ है और उसकी वजह से हमें जो हमारे वोट प्रतिशत में भी इजाफा हुआ है और हमारे कार्यकर्ताओं में भी एक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने जो ये 10 वर्ष के हमारे कार्यकाल रहा है स्वर्णिम, तो हर कार्यकर्ता उत्साहित है। जनता में भी एक माहौल है, जिस तरह से हमारे जो एजेंडे थे, धारा 370 हो, राम मंदिर हो, ये सब एजेंडे पूरे हुए हैं और हमारा देश आज तो निश्चित रूप से आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के 400 सीटें पार का जो लक्ष्य है हमारा वो पूरा भी होगा और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारा लक्ष्य है कि भीलवाड़ा सीट जो ऐतिहासिक जीत हम यहाँ से दर्ज करते हैं और अधिक मतों से हम जीत करके इस बार पुनः एक बड़ा रिकॉर्ड बनाए, ताकि भीलवाड़ा बहुत ही हमारा अच्छा जीत का गढ़ है और हम निरंतर यहाँ से जीतते रहें। तो भीलवाड़ा के एक एक कार्यकर्ता को इस चुनाव में बूथ से लेकर के और संगठन में जो भी दायित्व मिला है उन सबको सक्रिय करके और यहाँ से एक बहुत बड़ी जीत हमारी भीलवाड़ा से हो। मुझे जो जिम्मेदारी मिली है ये निरंतर में यहाँ प्रवास के माध्यम से, कार्यकर्ताओं से संपर्क के माध्यम से और सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के और समन्वय करके हम इस सीट से एक ऐतिहासिक जीत राजस्थान में रिकॉर्ड बने भीलवाड़ा से जीत का पुनः, ऐसा प्रयास हम करेंगे। देखिए, बिजली की जो समस्या है ये कोई एक दिन की समस्या नहीं है, ये पिछले 5 साल के कार्यकाल में जिस तरह से इस व्यवस्था को चरमराया और इसके साथ जिस तरह से बिजली को इन्होंने लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, तो इसकी बहुत बड़ी एक कहानी है। और कुछ भी मुझे अभी परसों के दिन ही यहाँ के व्यापारी थे, सब लोग भीलवाड़ा के वो आकर के मिले थे, उनसे चर्चा हुई है, उन्होंने सुझाव दिए हैं कि हम भीलवाड़ा की जितनी भी हमारी कॉटन मिल है उनमें निरंतर बिजली की आवश्यकता होती है, कैसे उनके निरंतर मिले, कुछ सुझाव है, उनका परीक्षण भी करवाएंगे और उनको निश्चित रूप से जो भी संभव होगा वो प्रयास करेंगे कि हमारा ये उद्योग फले फूले, इनको निरंतर बिजली मिले और कोई उनमें अच्छे सुझाव होंगे उनको भी मान करके ये चाहेंगे कि हमारे यहाँ की जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो इंडस्ट्री है, ये कहीं और नहीं जाए, प्रदेश से शिफ्ट नहीं हो, बल्कि और इन्वेस्टर हमारे यहाँ आवे, ऐसा माहौल बना करके और बिजली को आने वाले 2 से 3 साल में मैं समझता हूँ कि हम यहाँ बिजली को ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हमारे यहाँ बिजली की ना तो कमी रहेगी और न कभी पावर कट और कोई लोड शेडिंग का दिक्कत आने वाली। देखिए, मतदाता स्वतंत्र है वोट देने के लिए, आप उसको इस आधार पर पार्टी में लेने वाले की पार्टी में भी अच्छे लोग आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करेंगे और निश्चित रूप से हमारी नीतियों से प्रभावित होकर आएंगे, वो सोच समझ के ही हमारी पार्टी की नीतियां हैं। हम हमारी हमारी पार्टी भ्रष्टाचार पसंद नहीं करती, हम भ्रष्टाचार पर एक आरोप नहीं है हमारे ऊपर आने वाला, सोच समझ करके हमारी नीतियों से हमारे विकास को समझ करके आएगा। कोई एक्सचेंज के थ्रू जब हमें लोड ज्यादा आता है, पीक आवर्स होते हैं, तब कोई एक्स्ट्रा पावर मिल जाए और हम उस समय दे दें, लेकिन वो अवेलेबल नहीं हो रही। आज हम 10 रुपये में भी एक्सचेंज के थ्रू पावर खरीद रहे हैं, जब हमें लोड एक्स्ट्रा आता है, जब शाम के समय से लेकर के और आके 8-9.30 बजे तक पीक आवर्स में और सुबह भी 6 बजे से 9-10 बजे तक, वो पीक आवर्स में हमारे यहाँ डिमांड ज़्यादा है, जनरेशन कम है, हमारे जो एग्रीमेंट हो रहे हैं वो भी कम है, तो हमें वो
दो से ढाई हजार मेगावाट की एक्स्ट्रा बिजली खरीदने की आवश्यकता है। मुश्किल से हमें 1500-1200 मेगावाट मिल पा रही है, फिर भी 1500-1500 मेगावाट जो हमें कम मिल रही है वो उसको कहीं ना कहीं हमें एडजस्ट करके। लेकिन अभी कोई उम्मीदवार, मैं संगठन की बात करने आया हूँ, संगठन के लोगों से मिलने आया हूँ, हम कोई उम्मीदवार के ऊपर चर्चा करने नहीं आए हैं। पार्टी जो भी निर्णय करेगी भाजपा का कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा है, तो शायद इस कोई समीक्षा है, ऐसा कोई अभी 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 ऐसी ऐसी व्यवस्था ऐसी समीक्षा के लिए नहीं आए। पार्टी के कार्यकर्ताओं से एक मिलने जुलने का कार्यक्रम है और उसी के लिए आए।